हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भारतीय रेलवे के फेवर में एक बहुत बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर जो रेलवे स्टेशन के अगल बगल में जो छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, मतलब जो छोटे मोटे घर लोगों ने अवैध कब्जा करके जो घर बना रखे होते हैं छोटे मोटे, उनको हटाने का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि ये फैसला बहुत पुराने वक्त से अटका हुआ है, अब कहीं जाके इसके ऊपर जो है रोशनी पड़ी है और फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर इसमें ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कोई और कोर्ट इसके ऊपर स्टे नहीं लगा सकता, इस पे किसी प्रकार का पॉलिटिकल जो है प्रेशर बना करके कुछ भी करके इस फैसले को बदला नहीं जा सकता। साथ साथ रेलवे को और वेस्ट मैनेजमेंट एक कमेटी होती है, उनको भी ये आदेश दिए गए हैं कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली के करीबन 140 किलोमीटर रेल ट्रैक के अगल बगल में से जो भी स्लम्स वगैरह हैं, 48,000 टोटल स्लम्स हैं, उन सबको हटाने के जो है ऑर्डर यहाँ पे दिए गए हैं। अब दो बातें इसके अंदर है। सबसे पहले तो उनके लिए मेरी सांत्वना, मतलब उनके लिए मेरे दिल में बहुत वो है कि भाई जिनका घर छिन जाएगा, बट एक बात ये भी है कि अवैध रूप से कब्जा उन्होंने रेलवे की ज़मीन पे कर रखा था, तो एक ना एक दिन तो रेलवे अपनी ज़मीन आपसे वापस लेगा ही। वैसे भी 20-25 साल से ज़्यादा, मतलब 20-24 साल तो मेरी उम्र हो गई है जब से, तो मैं ही देख रहा हूँ इन चीज़ों को, इन झुग्गी झोपड़ियों को वहाँ पर बने हुए। तो रेलवे ने भरपूर इन लोगों को टाइम दिया था अपनी गलती सुधारने का। खैर, अब पॉइंट ये आता है कि रेलवे को ये जगह चाहिए ही क्यों। डेफिनेटली दोस्तों, फर्दर एक्सपेंशन के लिए आने वाले वक्त में आपको जगह जगहों पे, मतलब लाइनें जो है उनका विस्तार किया जाएगा, ट्रेनों की गति जो है बढ़ेगी। अब जब ट्रेनों की गति बढ़ेगी तो एक रेलवे ट्रैक के आसपास बहुत पास में घर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज रेलवे को भी खतरा है उससे, तो वो एक की जाएगी। दोस्तों, दिल्ली सराय रोहिल्ला से लेकर के अगर जो अजातपुर की तरफ जो बाईपास जाता है, एक बाईपास रास्ता कह सकते हैं, एक रूट है प्रॉपर, वो रूट जो जाता है वो पूरे रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, वो पूरे को जो है साफ़ किया जाएगा। क्योंकि हो सकता है दिल्ली के अंदर कई जगहों पर रेलवे फ्लाईओवर भी बनाए जाएँ, तो वो सब करने के लिए रेलवे को ये सब करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कितने वक्त के अंदर ये सब ख़त्म हो पाता है एंड रेलवे इस चीज़ को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और अपडेट के साथ में। बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।